महावीर के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी के प्रति कृतज्ञता और नमन का भाव। आप कहेंगे किस लिए? इसलिए कि आप दूर दूर से एक सत्य को पाने के लिए आए हैं। सौभाग्य होता है उन मनुष्यों का, उन मुमुक्षु आत्माओं का, जिनको सत्य मिल जाता है। सत्य मिल जाए तो बहुत बड़ी बात, सत्य के लिए प्यास ही ना होना, इससे बढ़कर के कोई दुर्भाग्य नहीं होता। सत्य ना भी मिले, सत्य के लिए एक प्यास, एक पीड़ा, एक बेचैनी, एक तड़फ तो पैदा होना चाहिए। फिर मैं इस बात को दोहराता हूँ आपके सामने, सत्य ना भी मिले इस जीवन में, पर सत्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं संसार में किसके लिए आया हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? अभी तक आप जागे ही नहीं, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और एक रूटीन बना लिया जीवन को। वो लोग सत्य को कभी उपलब्ध हो ना सके। जो मनुष्य क्षुद्र की कामना करते हैं, उनको वो मिल भी जाए तो उनके जीवन में आनंद नहीं आता, उनमें फिर भी अशांति, दुख, पीड़ा बनी रहती है। परंतु जो मनुष्य एक विराट की भावना लेकर के, एक विराट की कल्पना लेकर के इस जीवन में आते हैं, उनको विराट ना भी मिले, सत्य ना भी मिले, पर उनके जीवन में फिर भी आनंद, शांति, प्रेम और मैत्री के फूल खिल जाते हैं। फिर समझिए इस बात को, जो मनुष्य क्षुद्र की कामना करते हैं, उनको क्षुद्र मिल भी जाए तो जीवन तृप्त नहीं होता, जीवन दुख से भर जाता है। और जिनको विराट की कल्पना करते हैं और विराट ना भी मिले, उनका जीवन फिर भी आनंद से भर जाता है। क्षुद्र क्या है? आप अपने जीवन में देखें, क्या पाया है जीवन में? जब से जन्म लिया, माँ के गर्भ से बाहर आए, बड़े हुए, स्कूल में गए, पढ़ाई की, कॉलेज गए, विदेशों में पढ़ के आए, डिग्री हासिल कर ली, बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त कर ली, नौकरी मिल गई, उच्च पद पर आसीन हो गए, समाज में नाम हो गया, एक कोठी बंगला बन गया, हाई लेवल की एजुकेशन प्राप्त कर ली, और आप तृप्त हो गए कि मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। और आपके माता पिता भी कहते हैं कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, और माता पिता भी तृप्त हैं और तुम भी तृप्त हो। यह अक्षुद्र की कामना करना, मैं, मेरा परिवार, मेरा बेटा, बस सब सेटल हो जाए। आज पूरे भारत में नहीं, विश्व में यही हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम? बेटे को बड़ा करके, तुम बड़े हो करके, मकान बना करके, धन इकट्ठा करके, हीरे जवाहरात इकट्ठे करके, कोठी बंगला बना करके, कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए, तो क्या पाया जिंदगी के अंदर? भीतर झांक करके देखो, लगा है जीवन खाली चला गया। हजारों हजार लोगों से ये बातें हुई हैं, प्रश्न उठा है, क्या पाया जिंदगी के अंदर? 70 साल का जीवन जिया, 80 साल का जीवन गया, 90 के पार हो गए हैं, पाया क्या? वो कहते कुछ भी नहीं पाया। आप लोगों ने तो पा लिया होगा, बोलो। और यदि ये ना भी मिले, मानो कि आपके पास ज़्यादा धन नहीं है, मानो कि आपके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं है, मानो कि आपके पास हाई लेवल की कोई बिल्डिंग भी नहीं है, परंतु आप अपने जीवन में आराम से रहते हैं, परिवार भी सुखी है, तो आप जिस उद्देश्य से आए हो, उस उद्देश्य को मन में रख करके यदि वो कामना करते हो, तो आप निश्चित रूप में आगे बढ़ जाओगे। तो मैं कह रहा हूं ये प्यास, और प्यास के साथ आपका संकल्प। अकेली प्यास काम नहीं आती, बहुत लोग प्यास करते हैं परंतु उनका संकल्प नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं ध्यान तो करना चाहते हैं, क्या करें महाराज, घर की मजबूरी है, दुकान में जाना है, बेटे को भेजना है, ऐसी बातें करते रहते, उनका संकल्प नहीं होता। यदि आप संकल्प कर लिया
तो आप निश्चित निश्चित आगे बढ़ जाए। संकल्प, भगवान महावीर का संकल्प देखो, दीक्षा ली और संकल्प किया इसी जन्म में मुझे सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना है। और भगवान महावीर 12.5 वर्ष की साधना के बाद, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद, 30 वर्ष तक लोगों को धर्म देने के बाद सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। यह संकल्प। गौतम बुद्ध ने संकल्प किया था, 6 वर्ष तक साधना करते रहे, बोधि प्राप्त नहीं हुई। एक दिन संकल्प कर लिया जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे कि आज की रात्रि मुझे बोधि को प्राप्त करना है, यदि नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, तो मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, मैं बैठा ही रहूंगा कुछ भी हो जाए। ये संकल्प था भगवान बुद्ध का। और कहते हैं संकल्प किया और उसी रात उसी वृक्ष के नीचे उनको बोधि प्राप्त हो गई और बोधि वृक्ष बन गया। बोधि प्राप्त करने के बाद उनको बोधि वृक्ष बन गया। यह संकल्प। यदि आपके भीतर संकल्प नहीं जागता तो उन महापुरुषों को याद करो, 24 तीर्थंकर भगवंतों को याद करो, महावीर की साधना को, महावीर के संकल्प को दोहराइए बार बार, दोहराइए बार बार कि महावीर ने कैसे तपस्या की थी, महावीर ने कैसे साधना की थी, महावीर ने कैसे भेद ज्ञान किया था, महावीर के पास कितने संकट आए, और महावीर मैत्री प्यार करुणा लुटाते रहे। क्या वह वो प्यार मैत्री और करुणा मैं लुटा नहीं सकता? विचार कीजिए। प्यास और संकल्प, दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। तीसरी बात कि यदि आप चाहते हैं तो मिलता है। एक बीज टूटता है, भूमि में जाता है, तो वृक्ष बनता ही है, परंतु सभी बीज वृक्ष नहीं बन पाते, उनको मौका ही नहीं मिलता। आप देखते हैं किसान खेती करता है, बीज डालते हैं, कुछ बीज तो भूमि में जाते ही नहीं, कुछ ऊपर रहते हैं, कुछ किनारे पर रहते हैं, किसी को पानी नहीं मिलता, कुछ को पशु पक्षी चुग जाते हैं, वो कभी वृक्ष नहीं बन पाते। परंतु थोड़े से बीज जो भूमि में डाल दिए जाते हैं, एक मेघ हो जाते हैं, अंकुर निकलता है और वृक्ष बनता है, वो वृक्ष बन जाता है। एक बीज की क्षमता है वृक्ष बन जाए, उस वृक्ष के जितने बीज फिर उसकी क्षमता है, इससे एक बीज की क्षमता है कि पूरा आपका सूरत उस वृक्ष के पौधों से भर जाए। परंतु सभी बीज वृक्ष बन पाएंगे ये कह नहीं सकते, सभी मनुष्य सिद्ध गति में चले जाएंगे ये हो नहीं सकता, परंतु मैं जा सकता हूँ और तुम जा सकते हो। बोलो तैयारी है? मेरी तैयारी तो है, तुम्हारी तैयारी है कि नहीं? तुम सोचना, चल के आयो, दूर दूर से आयो, और इस शिविर में कामना मत करना। लोग आते, मेरा तो मन ही नहीं लगता, मन ही भागता रहता है, बड़े निराश, भानस भाषा में, जीवन में निराशा मत रखना, एक आशा भरा दृष्टिकोण, मन तुम्हारा है ही नहीं, तुम क्यों मन के गुलाम हो गए हो? इस साधना में ना तुम्हारा मन, ना तुम्हारी बुद्धि, ना तुम्हारे विचार, ना तुम्हारा शरीर, ना तुम्हारा पति, ना तुम्हारी पत्नी, ना तुम्हारी बेटा, ना तुम्हारे हीरे जवाहरात, ना तुम्हारा मकान, फिर किसके पीछे लग रहे हो तुम? इसको पाना है, तुम्हारे पास है, उसकी खबर नहीं, और आसपास घूम रहे हो। मन लग जाए, मन टिक जाए, मन को छोड़ो और एक पॉजिटिव एटीट्यूड भीतर लेके आओ कि कुछ भी हो जाए, मन लगे ना लगे, विचार आते तो आने दे, कब तक विचार आएंगे, आने दो, जाते जाने दो, विचार तुम्हारे है ही नहीं। तुम्हारे घर मेहमान आ जाए और तुम अपेक्षा कर दो, कितनी बार आ जाएगा, महीने में 10 बार आएगा, 20 बार आ जाए, निराश होकर चला जाएगा, ये सारे विचार तुम्हारे मेहमान है, तुम्हारे है ही नहीं, तुम अपेक्षा कर दो। और अपने आप ये साधना को लोग शिवर कर लेते हैं, समझ नहीं पाते। तुम अपने स्वभाव में आ जाओ, स्वभाव का मतलब ज्ञाता दृष्टा, कुछ भी हो रहा है, तुम्हारा मन लगे ना लगे, तुम्हारा ध्यान लगे ना लगे, तुम्हारा शरीर बेचैन हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात सुने ना सुने, तुम्हें भोजन मिले ना मिले,
कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हो ही नहीं, ना तुम्हारा बेटा, ना तू किसी की माँ, ना तुम्हारा पति। यही बात कह रहा हूँ, बार ना कर देना, सुन लेना, ये साधना की बातें कह रहा हूँ, ये गहरी बातें हैं। बाहर के लोग अलग हैं, वो लोग इस बात को नहीं समझेंगे, जो साधना में आए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ये बात है। वो तुम्हारा है ही नहीं, तुम अकेले थे, अकेले हो और अकेले ही रहोगे। इसका पोषण कीजिए और आत्म तत्व को जानने का पुरुषार्थ कीजिए। 4 दिन तक एक आत्म तत्व को जानने का प्रयत्न। एक बेसिक शिविर में लोगों का परिवर्तन देखने को मिला। कोहम की साधना, आलोचना की साधना में लोग कहते, आज तक जिंदगी भर हमने समश्री की, हमने आलोचना की, ऐसी आलोचना नहीं, ये जीवन बदलता है। और एक बहन आई, कहती, बुरा मत मानना, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। जब वो बंद करके खिड़की आई है, वो खोलना नहीं चाहती, उसको मिलेगा क्या? 600 लोगों को मिल गया, और वो कहती, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। ये है नेगेटिव एटीट्यूड। कुछ वो चाहना चाहती होगी कि मुझे कुछ मिल जाए, मेरा मन लग जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए, कोई प्रकाश नजर आ जाए, ये काम बन जाए। तुम्हारा कोई काम बनने वाला नहीं और तुम्हारा कोई काम बिगड़ने वाला नहीं। काम धाम को छोड़ो, केवल राम का नाम लो, बाकी सब छोड़ दो। तो तुम्हारा मन इस साधना में एक पॉजिटिव एटीट्यूड, मन ना लगे कोई बात नहीं, 1 घंटा भर भी ध्यान किया, आपका 5 मन भी लगा तो वो भी ठीक है। मन क्या है, मन के बारे में चर्चा करेंगे। जो तुम्हारा मन है, इसके 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से, 1 हिस्सा कॉन्शियस और 9 हिस्से अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस में रहते हैं। आज का विज्ञान कहता है, आज की साइकोलॉजी कहती है, हमारा जो माइंड है उसके 10 हिस्से हैं, 10 में 1 हिस्सा काम करता है, 9 सोए रहते हैं। जो तुम बोलते हो, बातचीत करते हो, व्यापार धंधा करते हो, सब काम करते हो, 1 कॉन्शियस माइंड, 1/10 ऑफ योर माइंड वर्किंग, ऑल आर गोइंग टू द रेस्ट। तो 9 हिस्से जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो स्टोर हाउस है। फॉर एग्जांपल, बहनें किचन में भोजन बनाती हैं तो कितना सामान रखती हैं? जितना ज़रूरत होता है, बाकी किचन में एक स्टोर हाउस होता है। होता है बहनों के नहीं, सारा सामान कहाँ होता है? स्टोर हाउस में, आटा, दाल, चीनी, चावल, जो सामान है महीने भर का, 2 महीने का, इकट्ठा करके स्टोर हाउस में रखते हैं और जितनी ज़रूरत है उतना निकाल लेते और भोजन बना देते। बस उतना ही आपका मन, 1/10 ये माइंड काम करता है। इसलिए विचार आते हैं, मन नहीं लगता। 9 हिस्से तो काम करते ही नहीं, पर जैसे जैसे आप ध्यान करोगे, योग निद्रा करोगे, कौशक करोगे, गहरा ध्यान होगा, वो अनकॉन्शियस माइंड कन्वर्टेड इनटू सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, वो 9 वो बढ़ता चले जाएंगे, वो बढ़ता चले जाएगा और आपका माइंड पावरफुल हो जाएगा। ये ध्यान की बात है, ध्यान करने से। इसलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है उन बच्चों को जो परीक्षा देते हैं, उन गर्भवती बहनों को, माताओं को जो 70 साल की बूढ़ी हो गई हैं उनको भी, पिताओं को जो संघ का काम करते हैं, जो बहुत थक जाते हैं, जो मेहनत करते हैं, छोटे बच्चों को, सबके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। क्षमता के अनुसार करो और मन की चिंता छोड़ दो, मन लगे ना लगे, तुम परमात्मा हो, तुम आत्मा हो, अनंत तुम्हारे भीतर है, खोजो तुम पाओगे। तुम खोजते नहीं, ऊपर ऊपर तैरते रहते हो। कबीर कहते, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन रही रहे किनारे पैठ। हेराक्लिटस कहते, इफ यू वांट पीरल्स यू मस्ट डाइव डीप इन द ओशन, अदरवाइज वी कांट इन द स्ट्रा। मोती प्राप्त करना चाहते हो तो डुबकी लगानी पड़ेगी, इसे भीतर डुबकी लगाओ। विचार आए आने दें, जाए तो जाने दें। एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे, जैसे आप बगीचे में जाते हैं, गुलाब के फूल को देखते हैं, और जो नेगेटिव अप्रोच वाले वो कहते हैं, क्या जाना है, 1000 कांटे और 1 फूल खिला हुआ है, क्या प्रकृति है। और दूसरा पॉजिटिव वाला कहते हैं, परमात्मा को धन्यवाद, परमात्मा 1000 कांटों में 1 गुलाब का फूल खिल गया, कितनी बड़ी बात है,
हजार कांटी और गुलाब का फूल खिल गया। और दूसरे क्या कहते हैं, क्या एक फूल तो खिला है हजार कांटे हैं। जिनकी दृष्टि कांटों पे रहती है वो कांटे उपलब्ध होते हैं, जिनकी दृष्टि फूल पर रहती है उनको फूल उपलब्ध होते हैं। तुम्हारी दृष्टि कैसी है, इस दृष्टि को पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जाना। तो लोग कहते हैं हमको मिलता नहीं। गौतमादि बुद्धा एक गांव में गए, गांव में जाने के बाद बुद्ध ने उपदेश दिया, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, उपाय से मुक्ति है। तो एक गांव का व्यक्ति खड़ा हो गया कि भगवान आप रोज मुक्ति की बात करते हो, दुख की बात करते हो, मैं देखता हूँ 30 साल से उपदेश देते जा रहे हो, कितने लोगों को मोक्ष मिला, कितने लोगों को आनंद मिला, बताओ तो ज़रा। बुद्ध मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा। उसने कहा अच्छा भाई, छोटा सा गांव था, और उनने कहा अच्छा भाई एक ऐसा काम कर, एक कागज़ और पेंसिल ले जा, और छोटा सा तुम्हारा गांव है, जितने गांव के लोग सब गांव से पूछना कि तुम चाहते क्या, तुम्हारे जीवन में क्या ज़रूरत है, वो पूरी हो जाएगी, जाओ। उसने कहा जाने की क्या ज़रूरत है, सब लोग शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। नहीं, बुद्ध ने कहा मैं कहता हूँ जाओ। तो एक कागज़ पेंसिल लेके गया, और लेने के बाद गांव के हर घर में गया कि आपको क्या चाहिए, बहुत दुख है, क्या चाहिए, बेटा पढ़ता ही नहीं। दूसरी जगह गए, बेटे की शादी नहीं होती। तीसरी जगह गए, फसल उगती ही नहीं। चौथी जगह गए, धन तो है, एक सरपंची मिल जाए। पांचवी जगह गए, एक पक्का घर बन जाए। ऐसा करते करते वो व्यक्ति पूरा दिन गांव में घूमा, और किसी ने भी नहीं कहा कि मुझे पूर्ण आनंद चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो राना हो गया। शाम को मुँह लटकाता हुआ वापस आया, और बुद्ध ने पूछा बताओ भाई कितने लोगों को मुक्ति चाहिए। कहने लगे भगवान मुझे लगता था सबको चाहिए, पर मैंने पूरा गांव छान मारा। कोई कहता धन चाहिए, कोई कहता बेटा चाहिए, कोई कहता बेटे की शादी हो जाए, कोई कहता जमीन मिल जाए, कोई कहता सरपंच बन जाऊं, कोई कहता यश मिल जाए, कोई कुछ, कोई एक आदमी भी नहीं चाहता कि मैं मुक्ति को प्राप्त करूं। ये कहानी उस गांव की नहीं, ये कहानी मेरी और आपकी भी है। तुम अंतःहृदय से पूछना कि तुम मुक्ति को चाहते हो। मुक्ति तो साइड में रह गई, पहले ये काम ठीक हो जाए। पहले लोग बड़े होशियार हैं, ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं, दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, संसार भी चाहते हैं और मोक्ष भी चाहते हैं, दोनों मिल नहीं सकते। तो बुद्ध ने कहा अरे भाई जब कोई चाहता ही नहीं तो मैं उसको दे कैसे दूं। जब चाहे वही राह मिलती। तो ये बात उसकी समझ में आई। तो कहने को अर्थ ये है कि हमारा जीवन उच्च दृष्टिकोण से भरा होना चाहिए। हमारे भीतर में 3-4 बातें मैं आज ज़रूर कहूँगा। आप सब आए हो तो कुछ पाने के लिए एक संकल्प करके जाओ, और प्यास पैदा करके जाओ, और प्यास अधूरी ना हो आपके जीवन में, उसका चिंतन चलना चाहिए। चिंतन का मतलब क्या होता है, जो आप देखते हैं आसपास वो घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बीमार हो गए, कौन बीमार होता है, किसको बीमारी आती है, क्या पहली बार बीमार हुआ, चिंतन करना। बीमारी ठीक हो जाए तो फिर क्या होगा। आप बूढ़े हो रहे हो तो क्या मैं जवान रहूँगा हमेशा, तो बूढ़ा होगा तो क्या हो जाएगा। आपको आज सम्मान मिल रहा है तो सम्मान सदा मिलेगा, पूछना। आपकी यशो गाथा गाई जा रही है, क्या हमेशा सबकी यशो गाथा गाई जा रही है। चिंतन का मतलब जो आस पास घटित हो रहा है उसको अपने जीवन में लाना और सबको बांट देना। किसी ने कहा गीत आकाश का, गीत धरती का आकाश को सुनाना है मुझे, गीत धरती का आकाश को सुनाना है मुझे, हर अंधेरे को उजाले में बुलाना है मुझे, गीत धरती का आकाश को सुनाना है मुझे, हर अंधेरे को उजाले में बुलाना है मुझे, फूल की गंध से तलवार को सर करना है। ध्यान देना, फूल की गंध से तलवार को सर करना है, और गा गा के पहाड़ों को जगाना है मुझे। बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, गीत धरती का
आकाश को सुनाना है मुझे। पूर्णिमा की रात्रि को केवल आकाश में तारे नहीं चमकते, आकाश के फूल नहीं खिलते, ये धरती के फूल भी बहुत प्यारे होते हैं। जब धरती माँ बसंत में खिल जाती है तो चारों ओर फूल खिलते हैं। वो धरती के फूल वो ऐसे फूल हैं जिसमें सुगंध है, रस है, स्पर्श है, सब कुछ है, और वो खिलते हैं तो आकाश के फूलों को मात दे देते हैं। गीत धरती का आकाश को सुनाना है मुझे, हर अंधेरे को उजाले में बुलाना है मुझे। जीवन में अंधेरा है तो प्रकाश भीतर है तुम्हारे, उसको उजाला कर दो। एक दिया भीतर से जला लो, वो जला हुआ है, वो ढका है, उसको घोड़ दो, उसको प्रकट कर दो। फूल की गंध से तलवार को सर करना है, किसी को मारना है तलवार से नहीं, फूल से। कोई आपका बहुत बड़ा अपराधी है, दुश्मन है, वो तलवार से उसको काट नहीं सकते। एक फूल भेंट दो दो, वो आपका अपना बन जाएगा। फूल की गंध से तलवार को सर करना है मुझे, गा गा करके पहाड़ों को जगाना है मुझे। पहाड़ों को जगा देते हैं गा करके। माँ जब आपको बचपन में सुलाती थी, कैसे सुलाती थी? जब बच्चा सोता तो माँ एक लोरी देती थी और बच्चा सो जाता था, और बच्चे को उठाना तो माँ क्या करती थी? एक गीत गाती थी, और बच्चा क्यों माताओं यही करती थी ना, ये भूल भाल गई। जब बच्चा सोता है तो क्या करते हैं? बच्चे को लोरी देती है माँ और बच्चा सो जाता है, और बच्चे को उठाना है तो झकझोर के नहीं उठाती, एक गीत गाती है, राजा बेटे उठ जाओ ना राजा बेटे, एक लोरी देती है और गीत गाती है तो बेटा उठ जाता है। ऐसे ही जो बात गोली से नहीं, वो मुस्कान से, वो प्यार से, वो मैत्री से हो सकती है। आप क्या कर सकते हैं? किसी को मधुर मुस्कान से अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि धरती का आकाश को सुनाना है मुझे, हर अंधेरे को उजाले में बुलाना है मुझे, फूल की गंध से तलवार को सर करना है, गा गा कर पहाड़ों को जगाना है मुझे। तो ये अवसर मिला है हमको, मन को दृढ़ करें, प्यास पैदा करें, प्यास के साथ संकल्प रखें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और अपने मन को विस्तृत करें, मन की बात ना सोचें, और जो चाहते हैं वो आपको निश्चित मिलता है। एक छोटी सी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। एक साधिका, एक साध्वी किसी जंगल में गई, वो साधना करती थी, उसके पास कुछ नहीं था। किसी गांव में गई अकेली स्त्री, शाम हो गई, गांव के लोगों के पास गई कि मैं रात को रुकना चाहती हूँ तुम्हारे पास, जगह दे दोगे? गांव के लोगों ने कहा तुम्हारा धर्म कौन सा है? लोग धर्म के नाम पर चलते हैं। उसने कहा मेरा कोई धर्म नहीं, मैं तो अकेली हूँ, बस वो मेरा परमात्मा और मैं आत्मा, बाकी कुछ नहीं। लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए कि तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम हमारे धर्म में नहीं हो, गांव के दरवाजे बंद कर दिए। अकेली खेत में लेट गई, परमात्मा की मर्जी ऐसा ही होना था। लेट गई, पूर्णिमा का चांद खिला हुआ है, सर्द रात्रि, एक चेरी का वृक्ष लदा हुआ फूलों से फलों से, उसके नीचे बैठी, चांद पूर्णिमा का खिला हुआ है, रात्रि 2 बजे उसकी नींद खुल जाती है और आकाश की तरफ देखती है, पूर्णिमा का चांद, चारों ओर रोशनी, और रोशनी फूलों से झरझर के आ रही है, पत्ते पत्ते से आ रही है, चेरी के फूल खिले हैं, चेरी के फल खिले हैं, और भीतर एक रोमांच अद्भुत हुआ और प्रकाश भीतर आ गया और वो डूब गई, उस समाधि को प्राप्त हो गई। कभी घटता है ऐसे, कुछ भी ना हो, आपकी तैयारी हो, समाधि हो जाती। वो नाचने लगी, वो गाने लगी, सुबह हुई गांव के लोगों के पास जाकर कहने लगी आपका बहुत धन्यवाद। गांव के लोगों का किस बात का धन्यवाद? कि आपने मुझे जगह ना दे करके बाहर खेत में रहने का अवसर दिया। यदि आप मुझे घर में जगह दे देते, घर में रुक जाती, तो मैं उस अवसर को प्राप्त ना कर पाती। ये खुला खेत,
चारों ओर चांदनी, पूर्णिमा की रात, चंद्रमा की रोशनी, चेरी के फूल और फल से लदी हुई मुझे अनंत शांति वो मिल गई। मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करने के लिए आए। ब्लेस देम दोज़ कर्स यू, जिसे कहते जो तुम्हें अभिशाप देते हैं उनको गले से लगा लो। यही ध्यान का सूत्र है, यही जीवन का सार है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा हो, उस आत्म तत्व का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक चारणी है धर्म की और शरण नहीं कोई, सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं भवज्जामि, अरहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पाणत्तो धम्मं शरणं भवज्जामि, चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर पद होगा उसका।